लपेटा था। उसके बाद उसने क्या किया, क्योंकि उसको अपने भाई से डर लगा, वो भाग गया। इतना सारा धोखा देकर प्रॉपर्टी हत्या लिया, लेकिन उसी प्रॉपर्टी को वो खुद उसका मजा नहीं ले पाया, जाकर क्या करना पड़ा, किसी और की गुलामी करनी पड़ी। मगर वहां भी परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। लेकिन क्योंकि उसने धोखा बोया, याकूब ने भी धोखा पाया। आमीन। उसने 7 साल रेचल के लिए गुलामी की, मेहनत किया, काम किया, मगर उसके ससुर ने उसे धोखा दिया, अपनी दूसरी बेटी से उसकी शादी कर दी। और उस धोखे में से बेटा जन्मा यहूदा, और वो खानदान आगे बढ़ा, और एक दिन पैदा हुआ याबेज, जिसका नाम ही दर्द था। जब याकूब ने प्रार्थना की कि मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे देता, आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू ब्लेस मी। वो कह रहा, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उसने कहा ठीक है, बोल तेरा नाम क्या है। कहता है मेरा नाम याकूब है। बोलता है आज से नहीं, आज से नहीं, आज से नहीं। सी व्हेन जेकब आस्क्ड गॉड फॉर द ब्लेसिंग ही वाज नॉट अ पुअर मैन। जब याकूब ने परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे आशीष दे, वो गरीब नहीं था, क्योंकि बाइबल कहती है ये होने से पहले उसने अपना सारा धन, उसके सारे जो जानवर थे उनको 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्से को इस तरफ से भेजा, दूसरे हिस्से से इस तरफ भेजा, और कहा जाकर तुम मेरे भाई से जब मिलो ये सारा धन उसको देना। गिव हिम दिस मनी, गिव हिम ऑल दिस कैटल, एंड व्हेन ही सेज व्हाट इज दिस फॉर, से योर सर्वेंट जेकब हैज सेंट दिस। He was a rich man who was saying, God, my blessing will be when you change my name. My blessing will be when you change my testimony. My blessing will be when you take my reproach away from me. मेरे लिए आशीष वो होगा जब तू मेरे नाम को बदल देगा। मेरे लिए आशीष वो होगा जब तू मेरे नाम से जुड़े हुए शर्म को मेरे जीवन से निकालेगा। इसके लिए परमेश्वर से कहता, बता तेरा नाम क्या है। कहता है मेरा नाम जेकब है, मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम धोखा देने वाला है। वो कहता है आज से नहीं। Says, आज से तेरा नाम इज़राइल है। यू नो व्हाट इज़राइल मीन्स? हाँ, इज़राइल मीन्स द वन हु डिड नॉट लेट गो। वो जिसने उसको छोड़ा नहीं, वो जिसने हाथ परमेश्वर का तब भी नहीं छोड़ा जब उसका पैर टूट गया था। परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया, आज से तो इज़राइल होगा। एंड ही वाज हैप्पी। एंड द सेम थिंग, इट्स नॉट रिटन अबाउट जाबेज, बट ही सेड, गॉड वुड यू प्लीज ब्लेस मी, गॉड वुड यू प्लीज एक्सटेंड माय बाउंड्रीज। प्रभु मुझे आशीष दे, मेरी सरहदों को बढ़ा। बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने जाबेज का नाम बदल दिया, मगर बाइबल ये जरूर कहती है कि जो कुछ जाबेज ने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। मैं ये विश्वास करना चाहता हूं, प्लीज इसमें से थियोलॉजी नहीं बनाए, बट मैं ये विश्वास करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जाबेज से कहा होगा, मैं आज तुझको आशीष देता हूं। और शायद परमेश्वर ने ऐसा कुछ कहा होगा कि आज से जो तेरा नाम ले वो भले ही तेरा इतिहास याद रखे कि तुझे कभी दर्द कहा गया था, मगर आज तेरे बारे में ये कहा जाए कि दर्द तेरा नाम है मगर दर्द तेरा फ्यूचर नहीं होगा। हालेलुया।
hey, listen, I know you want me to bless you. And I will. And I want to believe that God would have said, it was your past that they called you pain. Maybe they will call you Jabez all the days of your life, but that will not be your testimony when you die. Hallelujah. Says, God, bless me. Two broken people, be it because of betrayal, be it because of pain that you have carried, be it because of pain that others have caused you, or be it because of recognition that your family has not given you. I want to tell you, God wants to bless you today. And from their brokenness, they called on God. And they said, God, would you please bless us? I don't know what you are carrying. I don't know what brokenness you are carrying. Isse farak nahi padta ki kisne aapko dhoka diya, kyun aapka dil toota hua hai, kyun aap aise halaton mein ho. Magar Parmeshwar, agar aap use aaj awaaz doge, wo aapko aashish dene ke liye tayar hai. Amen. Why? Because of the most honorable son, Jesus, who came into this world. Hallelujah. Can you imagine this house of betrayal? Ye khandan jisme dhoka tha pehli peedhi se, usi khandan se Yehuda ka sher Yeshu Masih paida hota hai. Jisne khud dhoka saha. It ran through the family. Betrayal ran through the house. Jabez broke the cycle of brothers betraying brothers. But for Jabez's blessing to flow into our lives, Jesus had to come and say, hey, listen, the cycle of brothers betraying brothers is broken, but the cycle of brothers receiving betrayal also has to stop once and for all. So all the betrayal that he could receive, Jesus received from a brother. When Jab यहूदा ने यीशु को दगा दिया, आखिरी बार था, क्योंकि यीशु ने कहा, ये दर्द भी मैं उठा लेता हूं. Jabez, you had pain, right? You had pain that your brothers ridiculed you. You had pain that your mother called you pain. I will bear all that pain, Jesus said. He bore all the pain. Sara dard usne utha liya. Can you see Jesus' life and Jabez' life? Aap Yeshu ka jeevan aur Jabez ka jeevan dekho. Sari zindagi, maa ke pet se jab se nikla, sare Jabez ko haste the. Yeshu Masih jab se paida hua, logon ne mazak udaya. Maryam ka ladka hai, baap ko ne pata nahi. जब यीशु मसीह ने सेवकाई करना शुरू किया, उसने आदर के साथ सेवकाई किया, मगर लोगों ने क्या कहा, किधर का ही है, नाजरत का, नाजरत से कभी कुछ अच्छा आ सकता है? Jesus was honorable, but he still received pain. उसने दुष्टात्माओं को लोगों में से निकाला और लोगों ने क्या कहा, ए, ये दुष्टात्मा के ताकत से ही दुष्टात्मा निकालता है. Jesus said, it all stops with me. All stops with Jesus. You know why today we can claim the prayer of Jabez? A lot of people say, tote ke jaisa rat lo Jabez ka prarthna, bahut aashish milega. Nahi, nahi, boss. It's not a formula nahi hai.
It's because two on